वी बिगिन विद दिस सेशन। अब लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ डिजीजेस हैं जिनका कारण इमोशंस है। एक्चुअली तो ज्यादातर डिजीजेस का कारण हमारे इमोशंस हैं। सो आई जस्ट टेक यू क्विकली थ्रू इट, राइट? ओके, सो वी हैड डिस्कस्ड कि अगर सिर में कोई प्रॉब्लम है तो इंसान का सोचना क्या है कि उसके खुद के साथ कुछ गलत है, या तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेके। हेयर प्रॉब्लम्स ज्यादातर लैक ऑफ स्ट्रेंथ से होती है, और वो स्ट्रेंथ हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, हमारी दिमागी स्ट्रेंथ। मोर ओवर हेयर प्रॉब्लम्स का कारण स्ट्रेस या टेंशन भी है। कान में अगर दिक्कत होती है या ऊंचा सुनाई देता है तो आप ये मान लीजिए कि वो लोग तैयार नहीं है जो उनके आसपास हो रहा है, राइट? तो इसलिए उनके कानों में दिक्कत होती है। या फिर क्या है कि इतने गुस्से में है कि जो उन्होंने सुना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, तो उनके कान में प्रॉब्लम है। पेट में दिक्कत कब होती है? जब हम नए अनुभवों को अपने आप स्वीकृति नहीं देते, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू असिमिलेट न्यू एक्सपीरियंसेस या फिर नए आइडियाज को। अब जैसे देखिए ना, कितनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। कुछ साल पहले तक अगर हम मोबाइल की जरूरत देखें तो कहाँ तक थी, सिर्फ कॉल रिसीव करने और करने तक, या मैसेज करने तक। आज की डेट में आप ये देखिए कि मोबाइल हैज टेकन मोर देन हाफ ऑफ द टाइम, और यंगस्टर्स की लाइफ में तो मुझे लगता है कि पूरा टाइम ही मोबाइल में उनका जा रहा है। नमस्ते। सो नमस्ते, कैसे हैं आप? सो दैट इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दीज न्यू आइडियाज, दीज न्यू चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, जिससे कि हम अपने स्टमक को हेल्दी रख पाए। राइट नाउ नेक प्रॉब्लम, सी व्हाट इज आर नेक डूइंग? इट इज हेल्पिंग मी टू मूव एवरी साइड अप डाउन, आई कैन रोटेट इट क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो नेक क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी दर्शा रहा है कि हम चारों ओर इसको घुमा सकते हैं, तो नेक वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब नेक में प्रॉब्लम कब आएगी? जब इंसान स्टबन हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा, तो उसके नेक में प्रॉब्लम आएगी। या फिर जैसे हमारा नेक इधर और इधर दोनों तरफ हो सकता है, अगर वो दूसरा पहलू किसी बात का समझना ना चाहे या देखना ना चाहे, तब उनके नेक में प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थ्रोट में प्रॉब्लम्स कब आती हैं? अगर आप को लगे कि आप अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, यू आर नॉट एबल टू टेक एडिक्वेट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट इज वेन योर थ्रोट एक्सपीरियंसेस अ प्रॉब्लम। एंड यू माइट हैव सीन देर आर सो मेनी पीपल जिनको बात करते हुए बार बार अपना गला या तो साफ करना पड़ता है, या दे आर प्रोन टू गेट कफ वेरी फ्रीक्वेंटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीजनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलर्जिक, आई एम टॉकिंग अबाउट अनएक्सप्लेन थिंग्स। तो वहां पे क्या है कि उन्होंने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर बहुत सारा गुस्सा उन्होंने अपने अंदर दबा रखा है। गुस्सा किसी भी चीज का हो सकता है, इट कैन इवन बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा और अ चाइल्डहुड रेज ऑफ एंगर दैट दे जस्ट कंट्रोल्ड। तो उस पॉइंट से आपको वो इमोशन को रिलीज करना है, सो दैट द पर्सन कैन एक्चुअली ओवरकम द कफ। देन अगर उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो कई बार ये भी होता है कि उन्होंने किसी इमोशनल हर्ट को बस अपने अंदर कर लिया, इतना ज्यादा हर्ट थे दैट दे कुडंट स्पीक टू एनीवन, सो व्हाट दे डिड वाज दे सिंपली स्वॉलोड द हर्ट। तो उस केस में भी क्या रहेगा कि अगर उन्होंने किसी इमोशनल हर्ट को स्वॉलो किया है, तभी भी
उनको ये प्रॉब्लम रहेगी, नेक थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी, या तो वो बार बार गला साफ करेंगे या फिर वो बार बार उनको खांसी बहुत ज्यादा होगी जो कि अनएक्सप्लेन्ड होगी, एंड देन दे डोंट फाइंड रिलीफ. ये रिलीफ मेडिसिन से नहीं मिलता क्योंकि वो इमोशंस अंदर दबे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टैपिंग से ये इमोशंस को रिलीज करते हैं वैसे वैसे दे फाइंड रिलीफ. देन बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स. बैक में हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को लेते हैं, नेक एरिया से लेके पूरा टेल बोन तक. तो बैक में, अपर बैक में अगर प्रॉब्लम है तो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है ऐसे व्यक्ति को. द पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड इमोशनल सपोर्ट, दैट इज वाई द अपर बैक इट हर्ट्स और इट पेन्स. देन देयर इज अनदर रीजन फॉर मिडल बैक. मिडल बैक का पोर्शन, द रीजन इज दैट यू होल्ड बैक लव, दैट पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग. तो उनके मिडिल बैक में प्रॉब्लम होगी. लोअर बैक में दो चीजों से होती है प्रॉब्लम. एक होती है फाइनेंशियल सपोर्ट से, अगर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा. लेकिन कई बारी क्या होता है, ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे गए हैं जिनके फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बट स्टिल दे सफर फ्रॉम लोअर बैक प्रॉब्लम्स. सो दैट लोअर बैक प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू गिल्ट. किसी ना किसी चीज का गिल्ट है उनके मन में, इस वजह से लोअर बैक प्रॉब्लम है. या फिर उनको पैसों की चिंता होती है तब बैक प्रॉब्लम है. कई लोग डरते हैं, उनके पास सब कुछ होते सोते भी उन्हें ऐसा लगता है दैट दे आर गोइंग टू लूज मनी. सो दैट ऑल्सो रिजल्ट इन लोअर बैक प्रॉब्लम. फिर आंखों की समस्या, जैसे कानों की होती है कि हम कोई चीज इग्नोर करते हैं, हम सुनना नहीं चाहते या सुन के हमने उसे बिल्कुल ही सप्रेस कर लिया, वैसे ही आंखों का इमोशन क्या है कि आप जो अपनी लाइफ में देख रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं. आप देखेंगे कई लोगों का आंखों का नंबर बढ़ता जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिशियंसीज हियर, आई एम स्पीकिंग अबाउट इमोशंस, राइट? और यहाँ पे एज को भी कंसिडर करेंगे कि अगर आप कहें 40+ पास का नंबर बढ़ रहा है तो इमोशन इज नॉट लाइकिंग व्हाट यू सी इन योर लाइफ, नहीं, क्योंकि उस केस में क्या है, एज फैक्टर भी काउंट करेंगे. देन नॉट वांटिंग टू सी द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, या सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, सच्चाई नहीं देखना चाहते, उस केस में आपको आंखों की दिक्कत दिखेगी. नाउ कमिंग टू नीज, घुटने. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा घुटनों में प्रॉब्लम है. इनफैक्ट आई ऑल्सो हैड अ केस जहाँ पे उनको घुटनों में प्रॉब्लम थी. तो घुटनों में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जो ल्यूब्रिकेट करता है, तो वो फ्लूइड उनका लीक कर रहा था जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन था. द डॉक्टर्स हैड सजेस्टेड हिम टू गो फॉर अ सर्जरी एंड वी हैड ओवरकम दिस पेन विदाउट सर्जरी एंड रेगुलरली नाउ ही इज गोइंग फॉर हिज वॉक. ही इज क्वाइट एजेड और काफी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में वो. तो ये किस वजह से होता है नी प्रॉब्लम? देखिए, नीज हमारे पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. सिमिलरली, अगर हम अपने विचारों में फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमें नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. अगर हम बहुत स्टबन है तो हमें नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. अगर हम झुकना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए नीज हमें झुकाते भी, हम घुटनों के बल आते हैं नीज से, अगर हम झुकना नहीं चाहते तो हमें नीज की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड ईगो इज द मेजर इशू. अब जो केस मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, आई वुड शेयर द डिटेल्स ऑफ द केस. उसमें उनके साथ दो चीजें थी. वन, ही वॉज होल्डिंग बैक अ ट्रॉमा. हिज चाइल्ड हैड पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज एंड हैविंग ऑल द रिसोर्सेज ही वॉज नॉट एबल टू सेव हिज चाइल्ड. ये ट्रॉमा और ये शिकायत उनको खुद से थी. अब क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रगल किया था, सो ही डेवलप दिस ओसीटी, जिसमें उनके बिहेवियर में ये था कि हर चीज स्पेसिफिक
होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लीन. तो वो इतनी ज्यादा स्टबननेस उस चीज को लेकर आ गई थी दैट दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अदर फैमिली मेंबर्स. तो उस चीज को ओवरकम करना, अपनी हैबिट्स को गिव अप करना, दैट वाज द बेसिक प्रोग्रेस इन द केस दैट वी हैड टू मेक. तो ये समझने के बाद जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैपिंग, इस केस में मैंने टैपिंग के साथ उनकी कॉर्ड कटिंग और हीलिंग भी की थी, रीजन बीइंग कि वो ट्रॉमा उनके मन से निकालना था. वो ट्रॉमा एक्चुअली 12 साल से ज्यादा पुराना था, तो उसे उनके मन से निकालना था कि वो ट्रॉमा रिलीज होगा, वो उन यादों को रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे करके ही ओवरकम एंड ही स्टार्ट लिविंग लाइफ. तो यहाँ पे हमने टैपिंग के अलावा हीलिंग और कॉर्ड कटिंग भी की थी, राइट? तो आपके पास बहुत सारे केसेस आएंगे, और इस तरीके के जब भी केसेस आते हैं तो वी डू गिव इम्पोर्टेंस टू वॉट एवर इज हैपेंड इन द लाइफ, उनसे बात करके उनके लाइफ के बारे में समझ के. नाउ Thank you.